अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशात और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट में, जैसे कि ओनली 2 इंग्रेडिएंट यूज़ करके मैं आज आपको एक फेशियल दिखा रही हूं। वो आप जो है वो घर पे बहुत ही आसानी से बना के आप ट्राई कर सकते हो। इसका बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आपको दिखेगा। तो आज हम जो है शेयर कर रहे हैं वो टोमेटो फेशियल, जो कि टोमेटो हमारे फेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है। तो चलिए हम इस फेशियल को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उस टोमेटो को मैंने कट किया है और फिर मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड करके लूँगी और इसका एक जो है वो स्मूथ जूस हमें यहाँ पे मिलेगा, या प्यूरी कह सकते हैं। तो फिर हम इसे हमारे फेशियल में यूज़ करेंगे। तो चलिए हम हमारे फेशियल को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो है वो क्लींज़र का है। क्लींज़र के लिए मैंने यहाँ पे जो है 1 टेबलस्पून जो है वो टोमेटो जूस लिया है और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी अनदर 1 टेबलस्पून जो है वो रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो रॉ मिल्क, या मिल्क भी ऐड कर सकते हो। और फिर हम इसमें जो है कोई भी हमारे घर पे अगर कॉटन है तो कॉटन को हम इसमें डिप करेंगे। तो डिप करने के बाद में ये जूस जो है वो इस कॉटन में पूरी तरह सोक करके लेगा और फिर इससे हमारा फेस हम क्लींस करेंगे। तो सेकेंड स्टेप जो है वो स्क्रबिंग का। तो स्क्रब के लिए मैंने यहाँ पे अराउंड 1.5 टेबलस्पून जो है वो टोमेटो जूस लिया है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राइस फ्लोर। राइस में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारे स्किन के एजिंग साइन को दूर करता है, एजिंग प्रोसेस को डिले करता है, स्किन को फेयर और क्लियर बनाने में हेल्प करता है। तो इसे हमारे फेस पे 10 मिनट्स के लिए स्क्रब करना है। देन हमारा थर्ड स्टेप है वो है मसाज का। तो मसाज के लिए मैंने यहाँ पे अराउंड 2 टेबलस्पून जो है टोमेटो जूस लिया है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हनी 1 टेबलस्पून। हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है और इस मसाज जो लिक्विड हमने बनाया है इसे हमारे फेस पे 15 मिनट्स तक अच्छे से मसाज करना है, सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में करना है, ताकि ये जो जूस और हनी का जो गुडनेस है हमारे फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। देन हमारा लास्ट स्टेप है वो है फेस पैक का। तो फेस पैक के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है वो टोमेटो जूस लिया है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी मैंने अराउंड यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून कॉफ़ी ली है। इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है और फिर हम इसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ड्राई होने के बाद में हम इसे वॉश कर सकते हैं। तो जैसे कि कॉफ़ी भी है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, यह हमारे स्किन को फेयर बनाता है, स्किन को क्लियर रखता है और हमारे फेस पे लाइंस, रिंकल्स है, दाग धब्बे है, उन्हें दूर करता है। बहुत ही बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट से हमने ये फेशियल बनाया है और इसमें जो ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स है ये फेशियल्स हमने यहाँ पे बनाया है। तो आप इसे आसानी से घर पे ट्राई कर सकते हो और टोमेटो के भी बेनिफिट्स मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किए हैं। ये हमारे टैन को भी रिड्यूस दूर करता है, सन टैन को रिड्यूस करता है, एक्ने से फाइट करता है, स्किन को इम्प्रूव करता है, स्किन को इवन टोन बनाता है। ऐसे बहुत से बेनिफिट्स टोमेटो से हमें मिलते हैं और हमारे स्किन को भी फेयर बनाता है। तो ये DIY फेशियल अगर आपको अच्छा लगा है तो घर पे ट्राई कीजिए। इसका जो भी रिव्यू है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।